इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू प्लांट्स एट नीडेड इंटरवेल. इरिगेशन हेल्प्स टू ग्रो एग्रीकल्चरल क्रॉप, मेंटेन लैंडस्केप्स एंड रीवेजिटेट डिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल इन ड्राई एरियाज एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लेस देन एवरेज रेनफॉल. अगर जहाँ पर अपने को सबसे ज्यादा इरीगेशन मतलब क्या इरीगेशन की क्या जरूरत होती है, जहाँ पर ड्राई एरियाज हो और जहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं बरसात होती है ना, वो लेस देन द एवरेज रेनफॉल ऑफ टोटल कंट्री हो, तो वहां पर अपन को इरिगेशन वाटर की जरूरत होती है. इरिगेशन आल्सो हैज अदर यूजेस इन क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूडिंग फ्रॉस्ट प्रोडक्शन, सस्पेंडेड वीड ग्रोथ इन ग्रेन फील्ड एंड प्रिवेंटिंग सॉइल कंसोलिडेशन. इन कॉन्ट्रास्ट एग्रीकल्चरल दैट रिलाइज ओनली ऑन डायरेक्ट रेनफॉल इज रेफर्ड टू एज रेन फीड्स. नेसेसिटी क्यों है? इंडिया इज बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री. इंडिया में ये इसलिए जरूरी है, ये ढंग से सुनना. इंडिया इज बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड ऑल इट्स रिसोर्सेज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चरल आउटपुट. वाटर इज इवेंटेंटली द मोस्ट वाइटल एलिमेंट इन द प्लांट लाइफ. वाटर इज नॉर्मली सप्लाइड टू द प्लांट बाय नेचर थ्रू रेन. हाउएवर द टोटल रेनफॉल इन ए पर्टिकुलर एरिया मे बी आइदर इनसफिशियंट और इल टाइम्ड. अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर इल सफिशियंट है और इल टाइम्ड का मतलब ये होता है कि अगर बरसात चाहिए अभी और बरसात हो रही है उसके बाद में तो वो भी काम की नहीं, और उससे पहले हो रही है तो भी काम की नहीं है. तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे अगर बरसात हो जिस समय अपन बुआई करते हैं तभी वो रेनफॉल यूजफुल होगी, अदरवाइज नहीं होगी. तो इसलिए इरीगेशन वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. However, the total rainfall in a particular area may be either insufficient or ill-timed. In order to get maximum yield, it is essential to supply the optimum quality of water and to maintain correct timing of water. This is possible only through a systematic irrigation system. Thus, the necessity of irrigation is as follows. किस किस के लिए जरूरी है? अगर less rainfall है तब जरूरी होती है. नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल, अगर बरसात कम तेज मतलब ज्यादा आ रही है तो भी नुकसानदायक है और कम आ रही है तो भी नुकसानदायक है. ग्रो अ नंबर ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग एन ईयर, मतलब अपन क्या है एक ही खेत पे काफी प्लांट्स उगाते हैं अलग अलग टाइमिंग पे, तो उसलिए भी अपन को इरिगेशन जरूरी है क्योंकि हर समय बारिश की अवेबिलिटी होगी नहीं और हर समय अपने पास दूसरे रिसोर्सेस से भी होगी नहीं. तो इरिगेशन वाटर से बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने पास पानी सप्लाई हो और क्रॉप उगा सके. ग्रोइंग अ पेरिनियल क्रॉप, अगर सुगर केन उगा रहे हैं अपन पूरे साल भर वो जो उगता है उस वाले को उगा रहे हैं तो भी अपन को इरिगेशन वाटर की जरूरत है क्योंकि हर टाइम अपने पास बारिश का पानी अवेलेबल नहीं होगा. थर्ड फिफ्थ है कॉमर्शियल क्रॉप विथ एडिशनल वाटर. कॉमर्शियल क्रॉप जो मतलब केवल अपन को पैसे कमाने के लिए होते हैं, वो खाने पाने के लिए नहीं, तो उस तरह से अपन एक तरह से कॉमर्शियल क्रॉप का कोई भी एग्जांपल दे सकता है? एनीवन? कॉटन. कॉमर्शियल क्रॉप का एग्जांपल है तंबाकू. तंबाकू केवल केवल बिक्री के लिए ही होता है तो इसीलिए कॉमर्शियल क्रॉप के अंदर आता हुआ उसके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर भी अपन को इरिगेशन वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. और सिक्स्थ होता है कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई. अगर अपन को कंट्रोल्ड वे में पानी सप्लाई करना है, अगर बारिश तेज हो जाती है तो वो बाढ़ का फॉर्म ले लेगी और वहां पर भी बहुत नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए इरिगेशन वाटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो कंट्रोल्ड वे में होता है. फिर है एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन. फर्स्ट है इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन. इंडिया 135 करोड़ की जनता वाला देश है, वहां पर अगर बारिश के भरोसे ही अपन इरिगेशन करेंगे, बारिश के भरोसे ही अगर क्या बोलते हैं बुआई करेंगे या हार्वेस्टिंग करेंगे तो वो अपने लिए पॉसिबल नहीं है कि सबको फूड पहुंचा सके, इसलिए अपन को इरिगेशन वाटर की रिक्वायरमेंट है टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन. सेकंड है प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन. अगर अकाल पड़ जाता है कहीं पर तो वहां पर भी अपने पास उसका क्या बोलते हैं उससे अपन अगर इरिगेशन अवेलेबल है तो उससे अपन बचाव कर सकते हैं. थर्ड है कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप. कैश क्रॉप ये बोला जो केवल केवल अपने पास उसके मतलब पैसे कमाने के लिए अगर होगा तो उसके कल्टीवेशन के लिए भी इरिगेशन वाटर जरूरी है.
उस पॉइंट पे। एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, एक जगह पे मतलब बार बार एक ही क्रॉप अपन, मतलब क्या करता है किसान अगर पैसे कमाने के लिए एक ही जगह पर अलग अलग पौधे उगा के उसकी फर्टिलिटी कम करता है, तो उसको भी एलिमिनेट कर देगा इरिगेशन, क्योंकि अपन को जिस समय जो रिक्वायरमेंट है वही अपन वही करेंगे, तो उससे ही मतलब उससे फील्ड की मतलब क्या बोल सकते हैं, फील्ड की क्रॉप ग्रोइंग कैपेसिटी भी अच्छी रहेगी। फिफ्थ है एडिशन टू द वेल्थ ऑफ द कंट्री, अगर किसान अगर ढंग से प्रोडक्शन कर पा रहा है तो उससे अपने पास पैसे आएंगे और कंट्री डेवलप होने में ज्यादा मदद मिलेगी। सिक्स है इंक्रीज द प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपल, अगर मेरी बात सुनो, एक तरह से एग्जाम्पल इसका लेके देखते हैं, पंजाब के अंदर जो किसानों का है वो डाउन है, मतलब क्या नहीं, पंजाब के अंदर हाई है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या होती है, सुसाइड्स होती है किसानों की, पर पंजाब में कभी आज तक नहीं सुना कि किसान ने सुसाइड किया, क्योंकि वहां पर क्या है पानी की अवेबिलिटी अच्छी है, पानी की अवेबिलिटी इरिगेशन वाटर की अच्छी है और महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में नहीं होने का रीजन क्या है पता है तुम लोगों को? महाराष्ट्र में क्या है पता है तुम लोगों को, कि वहां पर नागपुर साइड बारिश कम होती है और बॉम्बे साइड बारिश ज्यादा होती है। इसका आंसर तुम लोग मुझे कल बताओगे सारे के सारे जिन्हें। कोस्टल एरिया के कारण मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में बॉम्बे साइड बारिश ज्यादा होती है, तो क्या पर करूं सर, कोस्टल एरिया। नागपुर साइड, नागपुर साइड अकाल पड़ता है, उसका रीजन क्या है? प्रॉपर सप्लाई नहीं होती होगी ना सर। प्रॉपर सप्लाई की बात ही नहीं है, बारिश की पानी की बात कर रहा हूँ। वहां तो प्रोजेक्ट तो ढंग से आई ही नहीं, पहली बात तो ये है इंडिया को उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, वो प्रोजेक्ट बनाया हुआ ही नहीं है इंडिया में। उसका मुझे पहले आंसर बताओगे कि वहां बारिश कम क्यों होती है, नागपुर और बॉम्बे साइड बारिश ज्यादा क्यों होती है। फिर है सेवेंथ है जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, अगर इरिगेशन वाटर अपन मतलब अवेलेबल करवाएंगे तो उसके लिए अपन को डैम्स और वो बनाने पड़ेंगे रिजर्वर्स, तो उससे क्या होगा कि अपन वहां पर डैम्स के थ्रू अपन टर्बाइन्स लगा के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि पानी वो यूज भी आ रहा है इरिगेशन के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी काम आ रहा है। एट्थ है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, मतलब ये वाला मैं तुम लोगों को बताया था कि वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग और इरिगेशन में फर्क क्या है, ये केवल ये वाला फर्क है। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर के लिए अपन सप्लाई करते हैं तो वो वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग के अंदर आ जाएगा। फिर नाइन्थ है इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, अब इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन का मतलब इधर समझना, अगर अपन कोई भी कैनाल बनाते हैं उसके साइड में सर्विस रोड बनेगी, सर्विस रोड बनने से क्या होगा कि वो क्या होगी एक गांव से दूसरे गांव कनेक्ट होने में मदद करेगी, और वहां पर उसका अगर रोड बनी है तो उसका डेवलपमेंट भी होता रहेगा, तो इसलिए इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन होगा। कैनाल प्लांटेशन, अब ये याद रखना कि अपन क्या करते हैं कैनाल के आजू बाजू पेड़ उगाते हैं, पेड़ उगाने का रीजन केवल इतना सा है कि कैनाल जब भी बनाते हैं तो सीपेज लॉस होता है, सीपेज लॉस होने के कारण अपन पेड़ साइड में उगाएंगे तो वो क्या होगा पेड़ उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और वहां पर सीपेज लॉस होने के चांसेस कम होने लगेंगे धीरे धीरे, तो इसलिए सीपेज क्या लोड क्या होता है सर? सीपेज लॉस कह रहा हूँ, लोड नहीं। सीपेज क्या होता है, देखो पानी का रिसाव होता है, अगर नहर बनाई है तो नहर को अपन अगर वो लाइनिंग वाला कैनाल, वो नेक्स्ट यूनिट में आएगा तो अभी इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करते हैं जब कैनाल बनाते हैं तो कुछ ना कुछ लीक होता रहता है पानी, तो पानी लीक होके क्या होता है वहां की वाटर टेबल इंक्रीज करता है। वाटर टेबल का मतलब तो पता है तुम लोगों को, वाटर टेबल का मतलब पता है? नहीं सर। वाटर टेबल का मतलब नहीं पता? अब ये बात सुनो, ग्राउंड वाटर टेबल का मतलब ये होता है कि जहां तक पानी, कहाँ तक पानी अवेलेबल है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब जमीन के कितने नीचे अवेलेबल है, 10 मीटर नीचे, 20 मीटर नीचे, 30 मीटर नीचे, तो अगर धीरे धीरे पानी रिसाव होगा नीचे ग्राउंड में पानी जाएगा तो उसकी वाटर टेबल इंक्रीज होगी, होगी या नहीं होगी? तो इंक्रीज होने से क्या होगा धीरे 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 वो दलदली एरिया बन जाएगा और वो क्या बोलते हैं उसकी नहर को टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो इसीलिए
अपन को साइड में क्या बोलते हैं प्लांट उगाना जरूरी है, और उससे हरियाली भी होने लग जाएगी धीरे धीरे वो एरिया में। फिर है एड इन सिविलाइजेशन। अब एक चीज बताता हूं तुम लोगों को कि सबसे पहले पुराने भारत में अपने लोग आके कहाँ रहे, जहां पर नदियां थी वहां आके रहे। जैसे जैसे अगर नहर होगी वहां आके लोग बाग बसना चालू करेंगे, और वहां बसने से क्या होगा वो एरिया धीरे 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 ऑटोमेटिकली डेवलप्ड होने लगेगा। क्योंकि तो अगर लोग आके रहेंगे तो उनके लिए रिक्वायरमेंट होगी मतलब किसी न किसी चीज की, तो वहां पर धीरे 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 गवर्नमेंट भी उसको करेगी डेवलप और लोग खुद अपना आप ही डेवलप करने लग जाएंगे उसको। फिर है 12th है जनरल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अगर नहरें बनती है तो उससे ऑल ओवर कंट्री का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि फिर उससे ये सारे जो मतलब बोला ना, फिर इंक्रीज इन फ्रूट प्रोडक्शन होगा। ये वाला फर्स्ट पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट देखो और सिक्स पॉइंट देखो, अगर ये तीनों चीजें होगी तो इससे जनरल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फंक्शंस ऑफ इरिगेशन। इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर न्यूट्रिशन। अगर जमीन के अंदर न्यूट्रिशन है जो प्लांट्स के लिए यूजफुल होंगे तो वो एक तरह से सॉल्वेंट का काम करेंगे और प्लांट्स को ढंग से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा। फिर है इट सर्कुलेट्स थ्रू द प्लांट स्ट्रक्चर एंड सप्लाई मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये क्या हुआ, इट सर्कुलेट्स प्लांट मतलब पानी वहां पर पूरे प्लांट स्ट्रक्चर तक पानी सप्लाई करेगा, मतलब उसको मॉइस्चर सप्लाई करेगा और न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा। इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर रिएक्ट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन द सॉइल टू बी सब्सिक्वेंटली एब्सॉर्ब बाय द रूट्स। कुछ सॉल्ट मतलब उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए, वो भी वहां तो उसको प्रोवाइड करवाएगा सीपेज के थ्रू, मतलब क्या बोल सकते हैं पोरोसिटी के थ्रू। फिर है इट कीप्स द सॉइल टेम्परेचर अंडर परमिसेबल लिमिट। अगर बहुत ज्यादा गर्म है या बहुत ज्यादा ठंडा है तो पानी पहुंचाने से उसको जो प्लांट उगने में मदद टेम्परेचर करता है उस टेम्परेचर तक वो रखेगा, तो उसको परमिसेबल लिमिट तक टेम्परेचर को रखेगा अगर पानी सप्लाई हुआ तो। ठीक है, इट डाइल्यूट्स द कंसंट्रेशन ऑफ वॉशेस डाउन द हार्मफुल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल मास। अगर सॉइल मास के अंदर कोई हार्मफुल केमिकल्स है मतलब हार्मफुल सॉल्ट है उसको भी रिमूव करने का काम करता ही है। फिर है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। अब ये वाला ढंग से सुनना, इरिगेशन इन इंडिया इंक्लूड्स अ नेटवर्क ऑफ मेजर एंड माइनर कैनाल फ्रॉम इंडियन रिवर्स, ग्राउंड वाटर वेल बेस्ड सिस्टम, टैंक्स एंड अदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब मुझे केवल सिंपल सीधा सा ये बताओ कि सबसे ज्यादा इरिगेशन किसके थ्रू होती है ऑल ओवर इंडिया में? तो नदियों के थ्रू होती है, रेन वाटर। नदियों से रेन सोच वाटर है समझ नदी। के जवाब देना, सबसे ज्यादा इरिगेशन किसके थ्रू होती है? सर रेन वाटर, बारिश बारिश आती रहती है। सबसे ज्यादा इरिगेशन होती है रेन वाटर का। मैंने सबसे पहले बता दिया कि इरिगेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि रेन वाटर रेगुलर होती है इंडिया में। सबसे ज्यादा इरिगेशन होती है वेल्स के थ्रू, क्योंकि सबसे ज्यादा अपने ट्यूबवेल्स कितनी जगह लगाई हुई है। अब ये देखो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इधर क्या लिखा हुआ है ये देखो, 60% ऑफ द इरिगेशन इन इंडिया इज फ्रॉम ग्राउंड वाटर लिखा हुआ है, पढ़ो। 65% ऑफ द इरिगेशन इन इंडिया इज फ्रॉम ग्राउंड वाटर। हाँ ये जरूर है, इरिगेशन बोला है मैंने, ये जरूर है कि डिपेंडेंट होता है मानसून के ऊपर, क्योंकि अपने महाराष्ट्र साइड 2/3 मतलब 2/3 टोटल पॉपुलेशन का इस पे मानसून के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसीलिए प्रोडक्शन कम होता है। अगर ढंग से नहरें कनेक्ट मतलब ढंग से नदियां ऑल ओवर इंडिया कनेक्टेड हो जाए तो अपने पास बारिश की समस्या ही नहीं रहेगी कि बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, तो इसलिए ये वाला चीज है। करंटली अबाउट 50% ऑफ एग्रीकल्चरल एरिया कल्टीवेटिंग फ्रूट ग्रेन इज कवर्ड बाई इरीगेशन। मतलब इंडिया में टोटल कितना परसेंट है, 51% है जो इस पे डिपेंडेंट है। फिर इंडिया गवर्नमेंट लॉन्चेस अ डिमांड, ये देख लो अब क्या चल रहा है वो बता रहा हूँ। इंडिया गवर्नमेंट लॉन्चेस अ डिमांड साइड वाटर मैनेजमेंट प्लांट कॉस्टिंग
6,000 करोड़ और 854 मिलियन डॉलर अक्रॉस थ्री ने 8,350 वाटर स्ट्रेस्ड विलेजेस ऑफ 78 डिस्ट्रिक्ट्स इन 7 स्टेट्स गुजरात हरियाणा कर्नाटका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश ये सबसे 7 जगह है जहाँ पर किसान बहुत ज्यादा दुखी है मतलब अगर ढंग से सप्लाई नहीं हो रहा ओवर 5 ईयर फ्रॉम 2021 टू 2022 2026 to 2027 with a view of harvest rainwater, enhance water table, water recharge rate with village panchayat level management plans. Most of the canal irrigation is in the canal network of Gangas and Yamuna basins, mainly in the state of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and somewhat in Rajasthan and Bihar. मतलब इंडिया केवल 2 नदियों पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है गंगा और यमुना पे तो इसीलिए उनको सब नदियों को लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी और सबसे बड़ी इंडिया में कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल वो है 650 किलोमीटर पर जो पंजाब और राजस्थान के अंदर पानी सप्लाई करती है फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सीजन पहला है खरीफ सीजन खरीफ सीजन कब होता है एनी आंसर मानसून आता है जब सर प्रॉपर आंसर दो मानसून आता है जब नहीं प्रॉपर ढंग से आंसर दो इसका इसका पीरियड बताओ जल्दी से मुझे मानसून तो क्या है देख बता रहा हूँ जुलाई जून जुलाई अगस्त तक ही रहता है सीधी बात है तो वो चीज बोलना मत मानसून आता है जो जून से दिसंबर तक जुलाई से लेके अक्टूबर तक रहता है कब तक रहता है जुलाई से नवंबर जुलाई से अक्टूबर तक ही रहता है और फिर रबी सीजन कब रहता है जल्दी बता दो रबी सीजन कब रहता है अक्टूबर से लेके मार्च तक आ गया समझ में तो ये 2 तरह के अपने पास होते हैं और एक होता है पेरिनियल क्रॉप जो पूरे साल भर चलती है एक समर क्रॉप्स भी होते हैं तुम लोगों को पता है समर क्रॉप्स होते हैं केवल अपने पास मार्च से लेके जून तक होते हैं समर क्रॉप्स वो उसी समय उगाए जाते हैं तो ये टोटल ये अपने पास इसकी खत्म हो गया ये वाला आज का मतलब लेक्चर खत्म है फिर कल से मैं चालू करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल किस किस टाइप के क्लासिफिकेशन मतलब अगले लेक्चर से ठीक है ना इतनी जल्दी खत्म होगा लेक्चर आज अब तुम लोग मुझसे मैं डाउट क्लास है ना जब से तो पूछ रहा हूँ कि कौन सा आज बताओ कि कौन सा क्या डाउट है तुम लोगों को अरे इसमें कौन सा डाउट है अरे तुम लोगों को डाउट क्या क्या है ये बता दो अब जल्दी से मुझे क्या करके कुछ है कुछ डाउट है इसके अंदर इसमें क्या डाउट होगा सर ओके आज के लिए यही है बाकी कल से मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर कराऊंगा फिर कराऊंगा क्रॉप वाटर रिलेशन के अंदर आता है फील्ड कैपेसिटी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और वो सब कुछ उसके अंदर आएंगे क्रॉप वाटर रिलेशन के अंदर इसका एक और डाउट है सर क्या हुआ सर इस टॉपिक से हट के दूसरा डाउट है सर वो जीआईटी की जगह आरआर सब्जेक्ट चूज करना है सर मेरे को तो कमलेश सर ने भेजा होगा ना लिस्ट सर कमलेश सर को बोल रहा है एचओडी सर को बोल रहा है एचओडी सर देख ही नहीं रहे मैसेज अभी क्या
एक्चुअली सर फोन कर सर को वही करना पड़ेगा लग रहा है। हाँ तो एचओडी सर को फोन कर दे और क्या बोलते हैं, मुझे तो रिपेयर एंड रिहैबिलिटेशन लेना ही है अभी, तुम लोग ले सकते हो तो ले लो जल्दी से, क्योंकि सर 10 जने भी नहीं है सर जीआईटी में, फिर भी मैम पढ़ा रही है, जबकि सर का 40% होंगे तो कमेंट पड़ेगी ना। मतलब एक चीज बता रहा हूँ, एक मिनट रुको रुको, पहले एक बार बात सुन लो मेरी, फिर आके बात करना। अरे जीआईटी, अरे तू क्यों बोल रहा है फिर? अब जीआईटी के अंदर ये वाला सीन है कि आगे से हम लोगों को मना कर दिया गया है, सब्जेक्ट कैंसिल तो नहीं होगा, अगर तुम लोग पूरे के पूरे रिमूव हो जाते हो तो अलग बात होती है, बाकी ये सब्जेक्ट अगर 10 जिन है तो भी चलेगा। नहीं तो सर हमको कहा ना कि अगर 40% स्टूडेंट होंगे टोटल के तो ही वो सब्जेक्ट कैंसिल करेंगे। पता नहीं भाई ये वाली चीज, हम लोगों को जो कल इन्फॉर्मेशन आई उस हिसाब से तो ये है। बात सुनो, कमलेश परियार सर को एक बार बात कर लेना कि सर मुझे शिफ्ट करना है तो कर लेना। तो सर नहीं, मुझे डॉक्टर से चेंज नहीं हो गया। अरे मैसेज दिखते ही नहीं है भाई, ऊपर चले जाते हैं यार। तूने म्यूट करके रखा कॉलेज के ग्रुप पे? नहीं कर रखा यार, इतनी लेट आ खुलती है। वाह चलो हो गया हमारे पढ़ाई, ऐसा ही गया। तो फिर तो कुछ इसका उपाय होगा कुछ इसका? सर ये पी सर उसका उपाय यही है कि एचओडी को कॉल कर, वही करेंगे अभी। विष्णु भगवान से रिक्वेस्ट कर, विष्णु भगवान लास्ट है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार देख लो। ठीक है सर, तो किसी को भी डाउट हो तो एक बार बता देना, ठीक है ना? और मैं एक मिनट रुक जाऊँ, अटेंडेंस ले रहा हूँ, एक बार ले लेना। यहाँ पर इसके इस कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है, मैं बोल रहा हूँ यस एक एक करके बोलते रहना। कैसे अभी तो तू इंस्टाग्राम चला रहा था, तू कैसा है क्लास में केशव? क्या केशव को बोलो सर, अभी तो तू इंस्टा चला रहा था, स्टोरी डाली तूने तेरी, थ्रो बैक। आकाश छोड़ दी, मेरे घर पे बहुत सारे फोन है मुकुंद, चिंता मत कर। तू इंस्टा में ध्यान दे रहा है, क्लास में ध्यान दे रहा है, ध्यान क्या दे रहा? क्लास पे ध्यान, चिंता मत कर, तू अपने ध्यान दे। तेरे पास बहुत सारे फोन है, बता रहा है शो करेंगे। अरे एक मुकुंद एब्सेंट लगा दूंगा तेरी, शांत हो जा। अभिषेक मेहरा, अभिषेक राज पुरोहित, आदित्य सुथार, राजपुरोहित आके चला गया सर, अली इधर चले गए। प्रेजेंट प्रेजेंट अली इधर प्रेजेंट है ना? हाँ सर। अनिरुद्ध व्यास प्रेजेंट सर। अंजलि व्यास प्रेजेंट सर। अंकुर पुरोहित प्रेजेंट सर। अनुराग माथुर, गुड मॉर्निंग अंकुर भैया। अनुराग माथुर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अशरफ अली, गुड मॉर्निंग सर प्रेजेंट सर। आयुषी माथुर प्रेजेंट सर। चिराग सेन गुप्ता, दीपेंद्र प्रेजेंट सर। देवांग दवे, ध्रुव प्रेजेंट सर। दीक्षिता शर्मा प्रेजेंट सर। दिव्यांश माथुर, दिव्यांशु भाटी प्रेजेंट सर। दिवेश जोशी, गर्वित परियार प्रेजेंट सर। पौरव गौड़ यस सर। कौन? गौरव गौड़ यस सर। अरुण
Harshit. Present sir. Harshit Soni. Present sir. Hoshiar. Jitender. Jitender Kumar. Junaid. Kesav Vyas. Present sir. Kuldeep Gehlot. Present sir. Kunal Pariyar. Present sir. Kushal Agarwal. Present sir. Lalit Chaudhary. Lakshman. Lokesh Khichi. Lokesh Samaria. Manav. Present sir. Manoj. Yes sir. Mayank. Ben sir. Mohammed. Mohammed Sanjay. Mukund Vyas. Present sir. Nakul Sen. Naman Dadich. Naveen Ramani. Present sir, present. Naman present. Naveen Ramani. Present, present sir. Niranjan Sirvi. Present sir. Krishna. Present sir. Paras. Present sir. Pradeep Sangla. Yes sir. Naveen Punia. Yes sir. Rahul Devada. Present sir. Rahul Parmar. Present sir. Rajendra. Yes sir. Akshit. Present sir. Raman Dudi. Present sir. Ravi Kumar Jangir. Yes sir. Pahan. Present sir. Ruchi Sharma. Ruchi Sharma. Sachin Prajapat. Sanut Sharma. Present sir. Ezan. Present sir. Azad. Yes sir. Sohail Khan. Yes sir. Vijender. Yes sir. Varun Sharma. Vipul Nagori. Present sir. Vipul Verma. Present sir. Vishal. Yes sir. Simple Rattur. Present sir. Vijay Lakshmi. Vishal Jangir. सैतालीस कोई बच्चा चुका है ठीक है मैं देख लूंगा बाकी ठीक है ना तो और आज कल तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की पीपीटी मिल गई थी यस सर ओके तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की पीपीटी वीडियो लेक्चर और मैंने सब कुछ उसके अंदर डाल दिया है क्या बोलते हैं अपने नोट्स भी पहले यूनिट तक के सर सब्जेक्ट का नाम लिखो ना उसमें अच्छा वो भूल गया था मैं अभी ले लिख देता हूँ हाथों हाथ सर वो एजेंट है ना क्या वो मेरे एजेंट ने लगा दी ना हाँ लगा दी क्या नाम है वरुण शर्मा बाबूलाल जी हैं सर वरुण शर्मा हाँ लगा दी अरे सर जीत नंबर वन पे आ गई हाँ पता मुझे पिछले बार भी थी तो भी बीटीयू वाले सर नहीं सुनते हमारी हाँ सर एग्जाम का कुछ करते ही नहीं है सर एग्जाम ही नहीं हो रहा सर नीट और जेई के तो कैंसिल हो गए तो ये भी करना चाहिए ना सर अब वो ये लिखा है तुम लोगों के आप पर कि अगर जब भी टाइम मिलेगा मैं एग्जाम दूंगा आप जाके देखो वहाँ का क्या बोलते हैं दूसरी क्लास में क्या अंदर
गया। आज मैं डब्ल्यू आर ई की पीपीटी वीडियो लेक्चर सब प्रोवाइड करवा दूंगा।